नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। दोस्तों, इस पुरुष प्रधान समाज में जहां एक ओर महिलाओं को अपना बराबरी का सम्मान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, वहीं कई जगहों पे देखा जा रहा है कि घरेलू उत्पीड़न से महिलाएं त्रस्त हैं। आज भी इन्हें घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। तो ऐसी ही एक घटना नियामतपुर के घाटी गली में हुई है, जहाँ पे रेखा वर्मा के पति और उनके ससुराल वालों द्वारा काफ़ी परेशान किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं रेखा वर्मा की जुबानी। आपका नाम मैडम? मेरा नाम है रेखा नीति वर्मा। आप कहाँ रहती हैं? मैं कोलकाता के रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा ने शादी दिया देख के आसनसोल नियामतपुर में घाटी गली शांति नगर घाटी गली। आपका क्या वजह है जो बार बार झमेला झूठ झमेला होते रहते हैं? मेरा वजह है मैं पहले शादी होके 26 जून 2009 को आई, तो 3 महीने के बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। तो मेरा बेटा पहला वाला था, तो हमको घर के काम ये सब नौकर के जैसे खाना उना नहीं बनाने देती थी मेरी सास। कभी लात से ठेल के मारती थी, कभी ये करती थी, घुसा मारती थी। फिर मेरे जो पेट में बच्चा था तो उसको बोलती थी सड़ जाएगा, गल जाएगा, हेमा को क्या बेटा नहीं होगा। मैंने ऐसे कभी कुछ मेरी गुतनी को नहीं बोले। फिर कुछ दिन के बाद मेरा जब बच्चा हुआ यहाँ पर, फिर मेरे 2010 में मेरा बेटा हुआ, 18 जुलाई 2010 में बेटा हुआ। फिर मेरे को वैसे ही टॉर्चर दिन का दिन करने लगे। जब मेरा बेटा 2 साल का हुआ तो हमको यहाँ से मार के पीट के निकाल दिए, क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं था कि हम इस घर में रहें। कभी भी मेरा छोटा देवर नहीं। क्यों मार के पीट के भगा दे रहे थे? क्यों, कौन कौन था उसमें शामिल? क्योंकि मेरे हस्बैंड को वो लोग बोलते हैं कि वो नहीं कमा के पैसा देता है, नहीं ये करता है। मेरा हस्बैंड का ये लेके कि उनका एक लॉरी था उस टाइम, उन्होंने बेच दिया था। तो बेचने के बाद वो पैसा कौड़ी कुछ घर पे नहीं देते थे, इन्हें करते थे। तो वो मेरे ऊपर ससुराल वाले लोग जुलुम करते थे, श्रीकांत, चंदन, मेरी सास, ससुर, ये लोग सब। हस्बैंड का कुछ भी ये रहता है तो मेरे ऊपर जुलुम ढाते थे। फिर मेरे बच्चे होने के बाद मेरे को जब मार के बुरे तरीके से वो कलकत्ता भगा दिए, आपको मायके भेजे? हाँ, हमको मार के भगा दिए यहाँ से। तो हमने थाना में केस किए थे, तो थाना में प्रूव है क्या मेरा जो यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था वो सच्चा था, झूठा नहीं था। मगर खैर फिर उस ये होने 6 साल के बाद फिर कोर्ट में जज साहब ने बोले कि ना बीवी को ले जाओ, वो अच्छी लड़की है और तुम्हारा बच्चा को भी जिंदगी देखो, जाओ तुम ले जाओ। 2 बार बोले, बोलने के बाद फिर जाके हमको अचानक सर 1 अक्टूबर 2018 को लेके आए, लेके यहाँ पर आए। तो हम भी सोचे कि ठीक है, जब मेरा हस्बैंड आए हैं इतने साल के बाद, 6 साल के बाद लेने के लिए, तो क्यों नहीं चल जाते। तो क्यों कोलकाता गए थे लाने के लिए? आपका मायका से लाने गए थे क्या? हाँ, कोलकाता। अच्छा। मेरे मायके से गए थे। तो माँ ये लोग बहुत खुशी हो गई, माँ बोली जाओ तुम्हारा हस्बैंड। आप जो नयापाड़ा में जो बोल रहे शादी शादी की है, नयापाड़ा में किसका घर में शादी की है आप? बच्चू वर्मा के घर में शादी हुआ है। के पुत्र है उनके? उनका 3 पुत्र हैं। अच्छा, किन कौन लड़के से शादी हुए हैं? बड़ा लड़का से। क्या नाम है उनका? संतोष वर्मा। क्या वो आपका हस्बैंड आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, हमको मेरा हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनके मन में डाउट है क्या मैं खराब औरत हूँ, मैं खराब ये हूँ, मैं खराब हूँ। मतलब उनका कान हमेशा मेरा सास ससुर और मेरे दोनों देवर भरते रहते हैं, और सबको उनको मतलब माथा खा लिए है कि हम तुम्हारा बीवी को नहीं रहने देंगे, नहीं रखेंगे इस घर में। क्यों इल्जाम लगा रहे बार बार? वो उनको शक होता है पता नहीं क्यों। और कलकत्ता में किससे किससे फोन में बात करके ये किए हैं। कभी बोलता है कि तुम इसके साथ है, वो क्या 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 नाम लेते रहते हैं हमेशा। सेकंड बच्चा वो बोलते हैं दूसरा का है। ठीक है, दूसरा का है तो मैं माथा नीचे करके बोलती हूँ, यदि उनका बच्चा नहीं है डीएनए टेस्ट आप करवा लीजिए, और डीएनए टेस्ट में यदि निकलता है दूसरा का तो मैं माथा सिर झुका के मैं चली जाऊंगी इस बच्चे को लेके, और बड़े वाले बच्चे को उनको मैं सौंप दूंगी, क्योंकि वो उनका बच्चा है। अभी क्या समस्या है आपका? अभी मेरा समस्या यही है
कि हमको जहाँ पर यहाँ पाड़ा मोहल्ला में मीटिंग करवा के हमको पाड़ा मोहल्ला में रखवाएं, पाड़ा मोहल्ला से हमको अलग भाड़ा लेके घर चले। में, अलग भाड़ा घर में है ना उसी नहीं, भाड़ा घर में थे हम, हमको मारपीट के उस जगह से निकाल दिया। खटाल है वहां पर, पियकर है, चोर चोट्टा जगह है। आपका हस्बैंड साथ में रहता था उस पियकर जगह में? हाँ रहते थे, कितना दिन हुआ जो आपको निकाल दिए? 1 महीना हुआ निकाल दिए। खटाल किस जगह में रखते थे आपको? खटाल बरमपुर चित्रा, अच्छा, बड़ा मस्तान, बड़ा तालाब, वही वहीं पर रहते थे। और उनका दोस्त राजकुमार हमको आंख मारते हैं, और उनको हम बोले उनका दोस्त को, क्यों आंख मारा मेरे को? तो वहां के औरतें लोगों बोलते हैं, नहीं वो तो आंख नहीं मारा, नहीं किया यह। और फिर राजकुमार पेट उघाड़ के हमको दिखाते कि यहाँ पर कटा हुआ है, यहाँ पर गोली मारा हुआ है। इसके मीनिंग क्या होता है? मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को इतना तो समझ में है, यानी कि वो मुझे गलत साबित करने चाहते हैं, या नहीं तो हमको मर्डर करने चाहते थे। वहां पर सब सेटिंग करके रखे हैं। आप थाना और प्रभारी वगैरह कहीं पर राजकुमार, डायरी किए हैं कहीं पर? हाँ हम कंप्लेन आज किए कहाँ हैं, कहाँ किए हैं? ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, नवान्नो किए हैं, DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, चीफ जस्टिस ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता, ऑनरेबल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री राजेंद्र सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्री पंशिप वर्धमान, DSW DM ऑफिसर पंच वर्धमान, पश्चिम वर्धमान, SDO आसनसोल, डिस्ट्रिक्ट पश्चिम वर्धमान, OC वुमेन PS आसनसोल, वुमेन कमिश्नर, ह्यूमन राइट्स कमीशन OC कुल्टी PS, ADC कुल्टी, मीडिया एंड प्रेस मीडिया। ये सब जगह जो कंप्लेन कर रहे हैं, माने क्या अभी तक कुछ न्याय क्या मिला है आपको? कुछ भी नहीं, कुछ हम बोला है आप लोग ऑफिसर्स से वगैरह नहीं, बोले हैं? हम हाँ उन्होंने रिसीव किए हैं, रिसीव करके कौन लिए रिसीव हैं, किए हैं? जैसे कमिश्नर ऑफिसर ऑफ पुलिस उन्होंने आसनसोल का दुर्गापुर किए हैं, फिर आसनसोल वुमेन PS किए हैं रिसीव। मगर हम आप लोग से सबसे विनती करते हैं, आप हमें न्याय न्याय दीजिए। मेरा एक बच्चा होने वाला है जो 6 महीने का है, और एक बच्चा 9 साल का है, जो हमको अन्याय न्याय दीजिए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले हमको बहुत सता रहे हैं और हमारा घर भी तोड़ रहे हैं। ये मेरा 6 महीने का प्रेग्नेंट हूँ, और मेरा बच्चा है जो हमको मार के निकाल दिया है घर से, कौन मारा है आपको? क्या हमको मार के निकाल दिया है, मेरा हस्बैंड नाम है? और मेरा सास ससुर संतोष वर्मा, और मेरा दो देवर है श्रीकांत वर्मा, चंदन वर्मा, और मेरा ससुर का नाम है बच्चू वर्मा, और लाल मोहनी देवी बोलता है हम तुमको ससुराल में नहीं रहने देंगे, तुम गंदी लड़की हो, तुम आप थाना से गंदी। जाने से पहले बगल पड़ोसी वगैरह आपको कोई सहयोगी नहीं मिला? हमको यहाँ पर जब जब प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पर हमको पाड़ा मोहल्ला थोड़ा बहुत मदद किए थे, बहुत बार किए, जब ऐसे किए मीटिंग करवाए, यहाँ पर रेंट पे रखवाए, मगर एक ही चीज कर रहे हैं, एक ही चीज कि तुम खराब औरत हो, तुम ऐसे हो वैसे हो बोल के हमको निकाल दिया जाता है। मगर हाँ हमको ये भैया मिले हैं, हम भगवान से कुछ अच्छा नेक किए हैं तभी हमको ये भैया मिले हैं। ना मेरे पास पैसा है ना कौड़ी है, जो हम बिन स्वार्थ का हमको मदद कर रहे हैं, ये शुरू से अब आपको देखते आ क्या रहे मदद हैं। कर रहे हैं ये भैया? ये भैया हमको हर चीज में, केस में, ये सब जो हम नहीं जानते थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल PS वुमेन, ये सब हम नहीं जानते थे, धूप में मेरे साथ भैया दौड़ रहे हैं बिन स्वार्थ के लिए, हमको न्याय देने चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए।
हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत बार हो चुका है ये भी। देखे देखते देखते तभी स्टेप हमको मदद करने के लिए, हम मदद मांगने के लिए इनके पास आए और ये बिन स्वार्थ के हमको मदद कर रहे हैं। आपके पड़ोसी हैं? हाँ मेरे नेबर हैं। सर क्या देखे हैं आप? इसके ऊपर तो बहुत दिन से अत्याचार हो रहा है, इनका सारा स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना। बहुत दिन से कहाँ, कब से? मैंने शादी के बाद से ही। क्या शादी के बाद से? तो कुछ दिन तक ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन सुन आफ्टर मैरिज जो है। नहीं ये बोल रहे नेवर, हमारा पड़ोसी है, आप जो बोल रहे हैं तो आप तो पूरा घटना ही जानते होंगे। हाँ घटना जान रहे हैं, पहले भी घटना का पुनरावृत्ति हुआ 14 जनवरी 2013 को। इसी तरह जो है ये एक छोटा सा बच्चा जो अभी बता रहा है, ये 9 साल का हो गया, लेकर के यहाँ पर थे। सब पाड़ा लोगों का सहयोग से जो है इनको घर में वापस ये कराएगा। उसके बाद फिर ये जो है तरह तरह का टॉर्चर हुआ। फिर अभी रिसेंट अभी इनको बता रही है क्या कि 1 अक्टूबर मतलब 2018 को रिसेंट में बोला जाएगा, पिछले साल में इनको वहां से फिर लाया गया कि चलो हम लोग एक साथ घर करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर लोगों देखे। और न्यायालय में कुछ मामला पहले से विचाराधीन है, तो इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो केस आप वापस ले लीजिए। ये बोली कि नहीं हम नहीं लेंगे, कोर्ट में जो फैसला होगा, न्यायालय का सम्मान करते हैं हम। तो यही सब ओवरटेकिंग इशू लेकर के इनको प्रेशराइज करके। इनका परिवारों से, इनका परिवार हस्बैंड साहब से कोई बात हुई है क्या? नहीं इस विषय में कोई बात नहीं हुई, हम तो चाहते हैं बैठ करके, क्योंकि आप पड़ोसी हैं, आपसे कोई तो बात हुई होगी। कहीं किसी तरह का कोई बात नहीं, और हम चाहते हैं कि बैठ के बातचीत करके यदि सोल्यूशन हो जाए, इसलिए कि हर एक का माँ है, बहन है, बेटी है, और इस ढंग से जो अत्याचार हो रहा है इसका हमारे पास कोई शब्द नहीं है, शब्द में वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये त्राहिमाम संदेश आप लोग मीडिया के माध्यम से, और ये जो तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी है, जो देश के हमारे पश्चिम बंगाल राज्य की माननीय महिला मुख्यमंत्री है, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी एक महिला पर अत्याचार हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसको संज्ञान में लेकर के जो कार्रवाई हो वो उचित कार्रवाई करे। और DGP को भी हम लोग किए हैं चिट्ठी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी जो है मुख्य सचिव पश्चिम बंगाल का, गृह सचिव को भी किए हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कोलकाता है उसको भी किए हैं, कानून एवं न्याय मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार का जो है उनको भी चिट्ठी किए हैं, DM, SDO, DSW जो विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल। मैंने ये चिट्ठी किए हैं, कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया? रिजल्ट नहीं, अभी आज जो हम लोग आप कंप्लेन किए हैं क्या आप लोग? लिखित हम लोग एक तो कंप्लेन किए हैं। कहाँ पर किए थे? कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ किए हैं, ये उसका कॉपी भी। तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ क्या? नहीं, वो आश्वासन दिए कि देखिए हम लोगों को कुछ समय दीजिए, हम लोग संबंधित थाना को भेज रहे हैं जो आप लोग का क्षेत्राधिकार। तो क्षेत्र अधिकार जो कुल्टी थाना आप लोग का क्षेत्र में पड़ रहे, तो क्या कहे, उसी कुछ बोले हैं क्या? ना अभी उस तरह से तो कहने मिला, लेकिन ये सब विभाग का जाने के पहले हम लोग यहाँ के न्यामतपुर का प्रभारी जो श्री पलाश मंडल जी है उनके समक्ष गए। उनको क्या कहना है? उनको वो बोले कि देखिए हम तो इस मामला में कहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, देखिए आप लोग को ऊपर कहीं जाना है, तो उसके बाद हम लोग गए। यदि यहाँ से हम लोग को न्याय मिल जाता तो। मैंने आप लोग को नियामतपुर थाने से कोई न्याय नहीं मिला पलाश मंडल, इस तरह से ये दरवाजे आप लोग खटखटाए हैं, इसलिए ऊपर महल में जाना पड़ा हम लोग को। और हम लोग जितना भी विभाग है सब जगह गए और जा रहे हैं और जाएंगे। हम लोग का यही उद्देश्य है कि ये घर में इनका पुनः वापसी हो जाए। समाज के प्रति इनके विषय कोई मैसेज है आपके पास? समाज का मैसेज यही बोलना चाहेंगे, हर एक का घर में माँ है, बहन है, बेटी है, और एक इस मीडिया के माध्यम से हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि ये बहुत अन्याय हो रहा है, और समाज का भी एक दायित्व बनता है। हम लोग सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहता है, पलता है, बढ़ता है, इसे सामाजिक दायित्व से हम लोग नहीं बच सकते हैं। समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि आए इस तरह का अत्याचार में जो है मौन नहीं रखे, इनका सहयोग दें, इनको घर में वापसी कराए। आने वाला जो एक बच्चा जो है अभी दुनिया में नहीं आया है, उस पर जो इस तरह से अत्याचार हो रहा है उसके प्रति समाज देखे, कल दिन और किसी के संग हो सकता है, इसलिए हर एक लोग को जागरूक होना चाहिए। और कम से कम इस जो इनके जो हस्बैंड, इनका मतलब कहने है क्या मतलब है, जो जागरूक हो माने क्या उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इस तरह से बदतमीजी कर रहे हैं, इस तरह से जो उनको टॉर्चर कर रहे हैं, जो प्रावधान है कानून हिसाब से जो है उसको जरूर मिलना चाहिए, जो हम लोग का देश का कानून बोलता है उस हिसाब से। आपका नाम? विनोद सिंह सोलंकी हमारा नाम है, और हम यहाँ पास के पड़ोस में रहते हैं, पेशे से अधिवक्ता है हम। अभी हम लोग का कोर्ट सीज वर्क चल रहा है, जो अत्याचार हुआ आप लोग भी देख रहे हैं वकील समाज पर, इसलिए हम लोग अभी अपना एसोसिएशन का नियम को पालन कर रहे हैं। जब कोर्ट खुलेगा, जब वहाँ से आदेश मिलेगा हम लोग का एसोसिएशन से, तब हम इसके लिए कोर्ट में भी मामला जो है वहाँ दायर करेंगे। अभी ये सब विभाग में हम लोग दिए हैं, अभी कोर्ट बंद है, अभी
अभी हम लोग कोर्ट में काम नहीं कर रहे हैं। जब आदेश आएगा तभी हम कोर्ट में काम करेंगे।